जिस समय 12 साल की साधना दिल्ली में चल रही थी और जब पूरी हुई साधना, उसके बाद हमारे साहब विराजमान थे, उनकी मौजूदगी में जोगीदास और बीरवान जी ने उनसे पूर्णमासी के बारे में विचार करके पूछा, तो पहले तो साहब ने स्वयं पूर्णमासी का कार्य करके स्वयं दिखाया, उसके बाद उनको ये हुक्म दिया कि अब पूर्णमासी का कार्य तुम्हारे द्वारा किया जाएगा, और जोगीदास बीरभान को ये टहल सौंप दी हमारे साहब ने। जब से पूर्णमासी का कार्य होता चला आ रहा है और आपके हुक्म के अनुसार पूर्णमासी में टिक्कर सेंक कर, आटे का टिक्कर सेंका जाता है और उसमें गुड़ की चाशनी मिलाकर महाप्रसाद तैयार किया जाता है, उसी से काम होता चला जा रहा है और महाप्रसाद की जुगत आज भी लगातार बनती चली आ रही है, और बाकी संगत ने अपना विचार करके उसमें एक दो जुगत और बढ़ाकर पूर्णमासी का काम करना शुरू कर दिया है, और जो कि कार्य वर्तमान में आज भी लगातार चल रहा है। सबसे पहले दो महोराय बैठकर गद्दी पर बैठते हैं, गद्दी पर बैठने की मात्रा है वो पड़ी जाती है, उसके बाद उसमें चद्दर सौंप कर वहाँ पर जुगत रखी जाती है, टहल हुए जो होते हैं वो जुगत लाकर सामग्री उसको रखते हैं, फिर चद्दर ढक कर उसके बाद वहाँ पर शब्द पढ़ा जाता है आद शब्द, और उसके बाद आद शब्द की वाणी पढ़ी जाती है, फिर खड़े होकर उसके बाद में साधो सच का सुमरण साँचा और साधो सच सुमरण से जीत रिये दो वाणियाँ और पढ़ी जाती हैं। तत्पश्चात खड़े होकर दोनों टहलुए मात्रा पढ़ के साहेब से हुक्म मांगते हैं प्रसाद को बरताने का, और वो दोनों मात्राएँ पढ़ के प्रसाद बरताने की मात्रा पड़ जाती है, फिर प्रसाद सौंपाकर पूरी संगत को बरताया जाता है, संगत बहुत भाव प्यार से मात्रा पढ़ के उस प्रसाद को पाती है। यही पूर्णमासी का हुक्म है कि पूरे दिन पूर्णमासी के दिन साफ सफ़ेद वस्त्र पहनकर नहा धोकर पूरे दिन और ज्ञान ध्यान में लगना है, कोई काम धंधा उस दिन हमारे यहाँ सास समाज में ऐसा माना जाता है नहीं करता है, और शाम को हाजिरी मात्रा पढ़ने के बाद खीर खा के उस दिन रहा जाता है, केवल दिन भर कोई नमक का सेवन नहीं किया जाता है, सास समाज में ऐसा प्रचलन शुरू से चला आ रहा है हमारे गुरु के हुक्म के अनुसार। ये 24 घंटे का हुक्म है पूर्णमासी के दिन, और शाम तक और पूरी रात जागरण करके मालिक का नाम लेना, यही हमारे गुरु का हुक्म है। उस दिन पूर्णमासी के दिन चारों तरफ की दिशाओं की जगह जगह की संगत एक जगह पर इकट्ठी हो जाती है, अपने जहाँ भी रहते हैं साध आसपास के सब साध इकट्ठे होकर और मालिक का आह्वान करते हैं और आपस में मेल मिलाप करते हैं, यही पूर्णमासी का कार्य इसी प्रकार से होता आ रहा है। साथ जी, एक पूरे साल में भंडारा होता है, उसमें भी जो पूर्णमासी होती है उसकी भी अपनी महिमा है, हाँ खास बात है, उससे भी कुछ संबंध है पूर्णमासी का? अब पूर्णमासी का जो विशेष महत्व है, साल में एक बार जो पूर्णमासी होती है भंडारे के समय, उसका विशेष महत्व है। चारों दिशाओं की संगत इसमें, पूरे संसार में जहाँ भी संगत सास समाज की है, जो हमारे गुरु का फरमान हुक्म जो जारी होता है भंडारे का, उसमें अपने आप सब हुक्म सुनकर फरमान जहाँ जहाँ पहुँचता है सास संगत के द्वारा, उस फरमान को सुनकर संगत एकत्र हो जाती है, और उस पूर्णमासी का इसीलिए महत्व है, एक ही जगह पर पूरी संगत इकट्ठी होकर पूर्णमासी का कार्य करती है, इसलिए इसका विशेष महत्व माना जाता है पूर्णमासी का भंडारे के दिन। पूर्णमासी का कार्य आपने इस प्राणी की मुक्ति के वास्ते फरमाया है, जो भी इसकी रहनी से पूर्ण रहनी से रहता है वो इस संसार के आवागमन से मुक्त होकर आपके चरणों में पहुंच जाता है, इसलिए पूर्णमासी का कार्य आपने फरमाया है।